अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज कही थी, वो की है आपने? wordpress.com अगले दिन सुबह 5 बजे वो शादी पे चले गए, रात को फिर आए 9 बजे। 9 बजे आए वहां से, फिर वो आती चलो को शादी, चलो, सुबह इंशाल्लाह तला तुम्हारे सारा दिन काम करने। आप मैं बताता हूँ अब आपको ये नॉलेज चीज क्या है। भी काम करने। WordPress.com जो है, हकीकत में ये एक फ्री ब्लॉगिंग नेटवर्क है जो कि वर्डप्रेस की तरफ से होता है। जी जबकि wordpress.org है तो ये भी फ्री फ्री और फ्री टू यूज है, लेकिन इसको चलाने के लिए हमें कोई होस्टिंग चाहिए होती है और होस्टिंग पैसों की आती है। जी और जो हम फ्यूचर में काम करेंगे वो wordpress.org पर ही करेंगे, इसका हमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अब ये हमें पता तो चल गया कि ये होस्टिंग पर चलता है, तो इसका मतलब कि होस्टिंग में इसलिए चलता है क्योंकि इसके अंदर पीएचपी होती है और पीएचपी सर्वर के बगैर नहीं चल सकती। इसको हम लोकली भी चला सकते हैं, लाइव सर्वर पर भी चला सकते हैं, तो मुख्तलिफ तरीकेकार होते हैं जिनपे हम चला सकते हैं। आज मैं आपको फ्री की होस्टिंग लेना भी बताऊंगा इस वीडियो में, तो ये आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, मैं बताऊंगा जो अभी तरीकेकार, वो कल आपने अकाउंट क्रिएट करना है, और जैसे मैं बताऊंगा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, वो भी आपने कल वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। उसमें ठीक हमारा जो सीन ये होता है कि जब हम अभी अकाउंट क्रिएट करेंगे तो डिपेंड करता है कि जो नेम वो हमें देंगे वो कितनी देर में एक्टिवेट होता है। अगर तो वो अभी एक्टिवेट हो गया तो अभी हमारा बन जाएगा, नहीं तो उसकी मैं एक बाद में आपको वीडियो बनाकर सेंड करूंगा। होगा अब ये होस्टिंग हमें पता है कि वो पैसों की आती है, लेकिन मार्केट में ऐसी टूल्स मौजूद हैं जहां से हम फ्री की होस्टिंग निकाल सकते हैं, तो वो एक उसका नाम है जी इन्फिनिटी। तो अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाके इन्फिनिटी लिखता हूँ, इन्फिनिटी होस्टिंग, तो मेरे पास यहाँ पर ये पहला लिंक आ जाता है, इसको मैंने ओपन कर लेना, इन्फिनिटी फ्री इसका नाम है। यहाँ से आपने क्लाइंट एरिया पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने अपना मतलब पहले अकाउंट नहीं होगा तो साइन अप पे जाके यहाँ पे ईमेल वगैरह करके तो क्रिएट अकाउंट कर लेना है, और मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं यहाँ पर साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक हो रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ अकाउंट्स बने होते हैं, हमने एक न्यू अकाउंट बनाना है न्यू वेबसाइट के लिए, तो हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, सबसे पहले आपको कोई भी अकाउंट नहीं होगा तो आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब वो कहेगा आपको सब डोमेन या डोमेन सेट करना है। अब कस्टम डोमेन तो हमारे पास है ही नहीं, वो पैसों का मिलता है तो हम वो भी नहीं ले रहे, हम यहाँ से कोई भी नाम रख लेते हैं जो अवेलेबल हो, जिसमें मैं रख लेता हूँ माई पर्सनल साइट, और इसको आगे का जो सब डोमेन हमने देना है वो यहाँ से मुख्तलिफ सब डोमेन है जो अच्छा लगता है वो आप दे सकते हो। तो ये हमने मैंने दे दिया apigee.com, माई टेस्टिंग साइट मेरा नाम होगा, तो मैं इसको सर्च डोमेन पे क्लिक करूंगा तो वो कह रहा है कि डोमेन ऑलरेडी यूज, तो ये डोमेन मैं नहीं ले सकता हूँ, तो मैं इसको नाम चेंज कर लेता हूँ, हसन रजा साइट के नाम से मैं इसको दे देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा सर्च डोमेन करता हूँ तो अब ये कह रहा है कि डोमेन इज अवेलेबल। तो अब यहाँ पे ये अकाउंट लेवल जो है इसको ऐसे ही रहने देना, यूजर नेम जो है वो खुद ही जनरेट कर देगा, पासवर्ड यहाँ से आपने एक अपनी मर्जी का रख लेना है जो आपको बाद में याद रहे, तो मैंने एक आसान सा पासवर्ड यहाँ पे रख लिया है, तो मैं क्रिएट अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास व्यू क्लाइंट एरिया भी आ गया है और कंट्रोल पैनल भी आ गया है। अब इसी वीडियो में कंट्रोल पैनल में बताने लगा हूँ, ये जो हम खरीदेंगे सी पैनल उसका भी कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ से आपने आई अप्रूव को क्लिक करना है तो आपके पास कुछ देर बाद ही ये सी पैनल जो है ये चल जाएगा, लाइव हो जाएगा। ठीक हो। जो आप परचेज करते हैं होस्टिंग उसका भी सी पैनल इससे मिलता जुलता ही होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, और इसमें भी ये सेम उसी तरह की चीजें हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हम कंट्रोल पैनल के अंदर आ गए हैं, यहाँ पर हमारे पास एक जिस तरह ये काफी सारी चीजें आ रही हैं, और यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टा क्लाउज के नाम से एक सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, इसको हमने कर लेना है क्लिक। ये क्या करता है कि ये वर्डप्रेस या वर्डप्रेस जैसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को इंस्टॉल करने में हमारी मदद करता है।
तो इसमें हमें अभी फिलहाल वर्डप्रेस चाहिए, तो ये पहला ही ऑप्शन वर्डप्रेस का है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे पास वर्डप्रेस की डिटेल सारी आ गई। अब मैंने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछेगा किस डोमेन पर आपने डालना है। अभी हमारे इस होस्टिंग पर सिर्फ एक ही डोमेन है जो अभी मैंने बनाया, हसन रजा साइट डॉट एपीजी डॉट कॉम। ये हमने एज इट इज ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद अगर आपके पास, अच्छा चलो ये चीजें, ये आपको एसएसएल सर्टिफिकेट में बाद में समझाऊंगा। खैर, ये इसको एज इट इज यहाँ पे रहने देना एचटीटीपी पे। अच्छा, उसके बाद इन डायरेक्टरी इसको आपने चेंज नहीं करना, कुछ भी इसके अंदर नहीं लिखना, क्योंकि अगर इसके अंदर कुछ भी लिखोगे तो वेबसाइट आपके उस फोल्डर के अंदर जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर साइट नेम, अब आपने अपनी कोई वेबसाइट का नाम रखना है जो कि आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, तो मैं फिलहाल रख देता हूँ हसन रजा साइट, और इसकी एक डिस्क्रिप्शन रख देता हूँ, इट्स अ एस इन साइट। उसके बाद ही आपको कुछ ऑप्शंस कह रहा है, इनको आपने इग्नोर कर देना है। अब यहाँ पर आप एक यूजर नेम और पासवर्ड जो बनाओगे, ये वो यूजर नेम और पासवर्ड बनेगा जो वर्डप्रेस पे लॉगिन करने में आपके काम आएगा। तो ये मैं एक पासवर्ड, ये यूजर नेम ये रख लेता हूँ, और पासवर्ड एक ये आसान सा रख लेता हूँ। और यहाँ पर एडमिन ईमेल आपने एक रख लेनी है, जो पहले लिखी आप बेशक उसी को रहने देना, ये बाद में चेंज भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। ठीक हो। यहाँ पर ये कुछ चीजें आपको कह रहा है कि जी कोई थीम इंस्टॉल करनी है, कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है। फिलहाल आप किसी भी और चीज को क्लिक किए बगैर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। अब ये कुछ टाइम लेता है, कुछ 3 4 मिनट या 5 10 मिनट, वो नेट स्पीड पर डिपेंड करेगा कि सर कितनी आ रही होगी, तो ये अपने आप सेटअप कंप्लीट कर देगा। मेरा ये सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब ये जो हमारा डोमेन था, यानी कि मैं अगर यहाँ पे आके लिखूं हसन रजा साइट डॉट एपीजी डॉट कॉम, अगर मैं इसको एंटर करूं तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है। एक वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट एक, मतलब कह लो के, लेआउट आ गया है मेरे पास। जी ठीक है, अभी इसमें बहुत बंदा थीमें डालता है, बहुत कुछ करता है, वो तो सारी बातें अलग हैं, लेकिन वर्डप्रेस का फ्रंट एंड व्यू सबसे पहले ये आता है फिलहाल। ठीक हो गया। जी अच्छा, उसके बाद इसका जो डैशबोर्ड है ना, जिससे हम एडमिन डैशबोर्ड बनाते हैं, उस तरह वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है जिसको सीएमएस कहते हैं, उसको ओपन करने के लिए जो आपका डोमेन आ रहा होता है ना, ये वाला, इसी जी के ही आगे आपने लिखना है डब्ल्यूपी डैश लिखना है और एडमिन लिख देना है और इसको एंटर करना है। अब ठीक यहां हो। पर आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पे वो यूजर नेम और पासवर्ड देना है जो अभी हमने इंस्टॉल करते वक्त लिखा था। तो मैं इसको यूजर नेम और पासवर्ड दे देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। जी ठीक है, ये हमारी प्रॉपर वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन थी। मैं यहाँ पे ऊपर माउस लेके जाऊंगा, होवर पे मेरे पास ये नीचे एक छोटी सी मेन्यू दिखाएगा, तो मैं इसको अगर व्यू साइड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मेरी वेबसाइट भी ओपन हो जाती है, और ये ऊपर एक ब्लैक कलर की पट्टी आ जाए करेगी जब मैं एज अ एडमिन लॉग इन हुआ करूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक हो। अब अगला काम क्या है? अगले काम तो बहुत सारे हो सकते हैं, पंगे लेने को आए तो बंदा बहुत कुछ पंगे लेगा आगे जाके, लेकिन इन शॉर्ट वर्ड्स हमारे पास यहाँ, हमने कोई थीम मुख्तलिफ लगाकर देखनी हो तो उसका सबसे बेहतरीन तरीके का होता है, ये हमारे डैशबोर्ड के अंदर अपेरेंस आ रहा है। इसके अंदर अगर मैं आऊं और यहाँ पर हमारे पास थीम के ऑप्शन में हम चले जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 तीन थीम्स हमारे पास बाय डिफॉल्ट आ रही हैं। जी हम किसी तरह की भी लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 2020 को एक्टिवेट कर देता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे रिलोड करता हूँ, तो अब मेरे पास ये डिज़ाइन चेंज हो गया है वेबसाइट का। ठीक है,
अभी वेबसाइट के जी अंदर कोई कंटेंट नहीं है, कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं है, कोई पेज नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं है। इसलिए ये अभी सिर्फ बाय डिफॉल्ट एक हेलो वर्ल्ड की पोस्ट बनी होती है, वो इसमें आ जाती है। अब खैर थीम थूम तो हम बाद में डिस्कस करते ही रहेंगे, साथ साथ में दोबारा से जो पहले थीम चल रही थी मैं उसी को इंस्टॉल कर देता हूँ, मतलब एक्टिवेट कर देता हूँ। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारे पास पोस्ट क्या होती हैं और पेजेस क्या होते हैं। अब पोस्ट हमारे पास ये वही चीज है जिस तरह मैंने अभी आपको एक असाइनमेंट दी थी और आपको कहा था कि आर्टिकल्स पोस्ट होने चाहिए। तो ये इसमें आर्टिकल्स बंदा लिख सकता है, तस्वीरें लगा सकता है, मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट बना सकता है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर ये पहले से जो हेलो वर्ल्ड आ रही है पोस्ट आ रही है, मैं एक नई बनाता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करके मैं ऐड न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास बाय डिफॉल्ट एक एडिटर ओपन हो जाता है। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एडिटर जो वर्डप्रेस का बिल्कुल लेटेस्ट आया है, ये आम बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इसलिए आपको आसान एडिटर इसका बताता हूँ। उसके लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपने ये प्लगइन्स पे आना है, सॉरी ऐड न्यू पे क्लिक करना है और जी ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद पहला ही एक प्लगइन आ रहा होता है क्लासिक एडिटर, इसको हमने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। अब मैं अगर यहाँ पे ऑल पोस्ट में जिस तरह यहाँ पे देखूँ और ऐड न्यू पे क्लिक करूँ, तो अब जो मेरे पास इसका एक मिनट, ये एक्टिवेट नहीं हुआ, प्लगइन्स, अच्छा इंस्टॉल के बाद ना इसको एक्टिवेट भी करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐड न्यू पोस्ट पे जाता हूँ तो अब मेरे पास इसका जो एडिटर है ये थोड़ा डिफरेंट हो गया है और अब ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा जैसा हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का होता है। और यहाँ पर हम एक ये बटन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो मजीद ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास खुल जाते हैं। यहाँ पर हमने पोस्ट का टाइटल देना होता है, फर्स्ट पोस्ट मैं कह देता हूँ, और यहाँ पे हम कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, हेलो दिस इज अ वर्डप्रेस पोस्ट फॉर जुबैर, ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। यहाँ पे मैं तस्वीरें भी लगा सकता हूँ, अगर ऐड मीडिया पे मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं कोई भी तस्वीर अपलोड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे पास कोई तस्वीर पड़ी हो, मेरे पास शायद कुछ पड़ा हो, बखैर ये पड़ी है एक तस्वीर, इसको हम इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग किया और ड्रॉप किया और मेरे पास ये तस्वीर यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हमने इंसर्ट इनटू पोस्ट को क्लिक करना है तो तस्वीर हमारे पास यहाँ पे लग के आ गई। ठीक है। ठीक हो अब यहाँ से मैं इसको क्लिक करके जिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में करते हैं हम इसका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो इम्पोर्टेंट काम होता है यहाँ पर वो ये होता है कि पब्लिश के बटन पर क्लिक करना होता है। जब हम पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो छोटा सा लिंक आ रहा है ये उस पोस्ट का लिंक बन के आ गया है। इसको मैं ओपन न्यू टैब कर लेता हूँ तो ये मेरे पास मेरी पोस्ट बन के आ गई है। ये टाइटल आ गया, ये डिस्क्रिप्शन आ गया, ये मैं तस्वीर लगाई थी, ये वो आ गई। जी अगर मैं अपने होम पेज पर जाऊं यहाँ से तो देखें, एक ये पहली पोस्ट आ रही है, एक ये हेलो वर्ल्ड की पोस्ट आ रही है, ये वाली जो मैंने अभी बनाई है पोस्ट वो वाली। तो इस तरह से मैं पोस्ट से लगाता जाऊंगा तो इस थीम के मुताबिक ये पोस्टें वैसे आती जाएंगी। ठीक है। ओके। अब हमारे पास पोस्ट के अंदर ही एक और चीज होती है जो आज के टॉपिक की आखिरी चीज होगी, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको काफी सारी बताई हैं, ये आपने कल सारी प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास वो चीज ये होती है कैटेगरीज। अब कैटेगरीज जी क्या है? कैटेगरीज हमारे पास इस तरह, जिस तरह हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे थे तो वहां पर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, कुछ होती हैं हमारे पास क्लोथिंग की, कुछ होती है हमारे पास मोबाइल्स की, कुछ होती है हमारे पास होम थिंग्स की। तो इस तरह से मुख्तलिफ हमारे पास कैटेगरीज बन सकती थी। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास एसी, फ्रिज, ये सब कुछ आ जाता। क्लोथिंग के अंदर हमारे पास पैंट, शर्ट्स, ये सब कुछ आ जाता। मोबाइल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर
एक मिनट, होल्ड पर। जी अच्छा, उसके बाद कैटेगरीज जो है ना हमने देख ली, जिस तरह के मोबाइल्स के अंदर हमारे पास सैमसंग सैमसंग फोन जैसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो भी कई तरह की कैटेगरीज में होते हैं। अब पाकिस्तान की बहुत मशहूर वेबसाइट, आर्टिकल्स की वेबसाइट है प्रो पाकिस्तानी, अगर मैं इसको ओपन करूं यहाँ पर, ये सारी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है और ये काफी ज्यादा चल भी रही है और अच्छी किस्म से चल रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने भी काफी सारी कैटेगरीज रखी हुई है, लाइक स्पोर्ट्स का आर्टिकल लिखना है स्पोर्ट की कैटेगरी में, बिजनेस का आर्टिकल लिखना है बिजनेस की कैटेगरी में, ऐसा मुख्तलिफ आर्टिकल इन्होंने रखे हुए हैं। अब यहाँ पे जी हमारे पास ये कैटेगरीज का एक ऑप्शन आ रहा है और ये कैटेगरीज का ऑप्शन यहाँ पर भी आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यहाँ से कैटेगरी बनाना सिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये अनकैटेगराइज होता है तो हम चाहें तो उसको अनचेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कैटेगरी बनानी पड़ेगी। तो मैं कैटेगरी बना लेता हूँ स्पोर्ट्स की। अब ये पेरेंट कैटेगरी क्या है ये मैं आपको बाद में भी बताता हूँ, फिलहाल मैं सिर्फ स्पोर्ट्स बना दिया है और मैं इसको एड न्यू कैटेगरी कर दिया है। अब अनकैटेगराइज को मैं अनचेक कर सकता हूं और मैं इसको अपडेट कर देता हूं। यहां पर मैं इसको अपडेट करूं तो मेरे पास जो कैटेगराइज एज स्पोर्ट आ गया यहां पे लिखा, ठीक है। जी ये कैटेगरी बाद में हमारे काम आएगी, मींस के जब हमने सिर्फ एक कैटेगरी पर्टिकुलर कैटेगरी की चीजें, जिस तरह अगर मैं इधर आके स्पोर्ट्स को क्लिक करूं तो सिर्फ स्पोर्ट्स की चीजें मुझे दिखाई देंगी यहां पर, और कोई चीजें मुझे ऐसी दिखाई नहीं देंगी। तो यही चीज होती है कि कैटेगराइज इसको करना बहुत जरूरी होता है पोस्ट को। यहां पर मैंने जिस तरह स्पोर्ट्स को कैटेगराइज किया है, अगर मैं इधर कैटेगरी पे क्लिक करता तो यहाँ पे आके भी मैं कैटेगरी क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम जिस तरह क्रिएट कर लेते हैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल, और इसको इधर कुछ भी नहीं आपने लिखना, पेरेंट भी अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एड न्यू कैटेगरी। अब ये हमारे पास स्पोर्ट्स की एक कैटेगरी आ गई है, पॉलिटिकल आ गई है। पॉलिटिकल में अभी हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में हमारे पास एक पोस्ट यहाँ पर आ गई है। अब पेरेंट कैटेगरी क्या है, हमारे पास चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप आता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्पोर्ट्स है, पेरेंट ये हमारे पास पेरेंट है, इसके जो चाइल्ड हो सकते हैं वो हमारे पास हो सकते हैं क्रिकेट, वो हमारे पास हो सकता है हॉकी, वो हमारे पास हो सकता है बॉक्सिंग। इस तरह से हमारे पास कई स्पोर्ट्स जो हैं इसके चाइल्ड में आ सकते हैं, ठीक है। जी तो मैं यहाँ पर क्रिकेट लिखता हूँ और इसको मैं पेरेंट कैटेगरी जो है वो स्पोर्ट्स दे देता हूँ और एड न्यू कैटेगरी दे करता हूँ। अभी ये क्या होगा कि इसके सारे लाइन लग के आ गई है, ये स्पोर्ट्स की चाइल्ड कैटेगरी बन गई है, ठीक है। ठीक है। अब अगर मैं अपनी ऑल पोस्ट पे जाता हूँ और मैं अपनी पोस्ट को एडिट करना चाहता हूँ जो मेरी फर्स्ट पोस्ट थी, तो मैं इसको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा, और एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर मैं देखूं मैं क्रिकेट की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लूं, स्पोर्ट्स की कैटेगरी को सिलेक्ट ना करूं और मैं इसको अपडेट कर दूं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर भी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रिलोड करूंगा तो मुझे सिर्फ क्रिकेट नजर आएगी, लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स की कैटेगरी को कैटेगराइज करेंगे तो उसके अंदर उसकी चाइल्ड कैटेगरीज भी आती है, ठीक है। अभी ठीक आपका सिर्फ इतना ही होगा क्योंकि ये काफी सारी चीजें हैं,
इसको आपने कल पूरी वीडियो देखनी है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये सारा कुछ आपने देखना है और अपनी पहली पोस्ट वगैरह बनानी है, और कोई मसला होगा तो मुझे मैसेज करना है, ठीक है? ठीक चले ओके फिर। अच्छा कोशिश करना कल या परसों तक ना फीस का भी हो जाए। परसों तक इंशाल्लाह हो जाएगा। चले ठीक है, ओके ओके ओके।